इम्परफेक्ट कम्पिटिशन इन बाइंग जब हम बात करते हैं इम परफेक्ट कम्पिटिशन फ्रॉम द बाइंग साइड तो हम यहां पर भी आप कहें कैटेगराइज कर सकते हैं मार्केट्स को ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ बायर्स ईज ऑफ एंट्री एंड एग्जिट एबिलिटी टू सेट मार्केट प्राइस एंड डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट कि अगर मैं इस सारे को डिस्कशन को स्टार्ट करूँ कि सपोज देर इज ओनली वन मीट पैकिंग फॉर इन अर्टिकुलर लोकलिटी दैट कैन इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस ऑफ द मीट कि अब यहां पे है क्या कि आल्थो देर आर लार्ज नंबर ऑफ लाइफ स्टॉक प्रोड्यूसर्स हु आर प्रोड्यूसिंग स्टॉक बट देर इज ओनली वन मीट पैकिंग फर्म अब वो जो देर इज वन बायर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हु आर सेलिंग मीट इन मार्केट हु इज सेलिंग स्टॉक इन दार्केट मार्केट बट बिकॉज ऑफ सिंगल बायर तो सिंगल बायर क्या कर सकता है ही कैन इन्फ्लुएंस द प्राइस ऑफ मीट इन द मार्केट अब हां जी वो किस तरह इन्फ्लुएंस करेगा अब वो डिपेंड करेगा वो किस चीज़ को परचेस करना चाह रहा है जो आपके पास मीट पैकिंग मीट पैकिंग फार्म है हाँ जी वो मटन को आप कह लें पैक करना चाह रहा है इस टाइम पे और वो मटन मटन को बाई करना चाहेगा तो क्या होगा प्राइस ऑफ मटन विल इंक्रीज अगर वो बीफ की उसकी रिक्वायरमेंट होगी कुछ तो वो क्या आपके पास जो आप कह लें कि बड़े बड़े जानवर हैं जब वो उनकी डिमांड करेगा तो इफ इट नीड्स मोर नंबर ऑफ एनिमल्स देन ही प्राइस कि अ सिंगल बायर कैन इन्फ्लुएंस द प्राइस ऑफ़ द आउटपुट दैट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स अब अगर मैं इसी चीज को आप यूं कह लें कि टू प्रोड्यूस आउटपुट एवरी प्रोडक्शन रिक्वायर इनपुट अब अगर मैं यहां पे ज्यूम करूं देर इज ओनली वन प्रोड्यूसर हू नीड सर्टन अमाउंट ऑफ रिसोर्स टू प्रोड्यूस आउटपुट सिंगल बायर ऑफ द रिसोर्सेज तो अब जो सप्लाई की फॉर दैट सिंगल बायर वो क्या होगी दैट इज एन अपवर्ड स्लोपिंग वो अब जहां पे परिसोर्सेज दैट इज पॉजिटिवली सप्लाईड अब वो ही कैन अब वो इंफ्लुंस करे, करेगा जो बायर है आपकी मार्केट प्राइस ऑफ द रिसोर्सिस यूज इन दोडक्शन इफ इट नीड्स मोर क्वानिटीज मोर क्वानिटीजल एट हायर प्राइस हम जब वो लेस रिसोर्स होंगे तो लेस रिसो एट लोअर प्राइस हमारे यहाँ पे जम्पन क्या है देर इज ओनली वन बायर ऑफ रिसोर्सेज इन दार्केट जब हम बायर्स की बात करेंगे डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ बायर्स वैन कैटेगराइज कैन कैटेगराइज मार्केट

आलथो द इनपुट आर सब्सटूट्स आलथो इनपुट आर वेरी मच सिमिलर बट दे आर नॉट परफेक्टली आइडेंटिकल कि वहां पर आप कह रहे हैं उनकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स करेक्टरिस्टिक्स हैंट आर रिक्वायर्ड बाई डिफरेंट बायर्स फिर इसी पैटर्न बिट माइट बी पॉसिबल देर इज ऑलिगॉपनी मार्केट देर आर फ्यू बायर्स ऑफ सर्टन इनपुट ऑफ सर्टन रिसोर्सेज तब हम क्या कहेंगे मार्केट इज ऑपरेटिंग अंडर ऑलिगॉपनी इट माइट बी पॉसिबल के अ मार्केट इज ऑपरेटिंग अंडर मुनाप्सनी मुनाप्सनी में क्या होगा देर इज ओनली वन बायर जब हम एग्रीकल्चर के रेफरेंस में यह सारी डिस्कशन करें तो एग्रीकल्चर में क्या होगा कि विद रेफर ऑफ सेलर देर आर लार्ज नंबर ऑफ सेलर देर आर लार्ज नंबर ऑफ फार्मर्स आर प्रोड्यूसिंग सेम आउटपुट हुमोजीनियस आउटपुट इन द मार्केट लेकिन जब हम इनके बायर्स के रेफरेंस में देखेंगे तो देन इट माइट बी पॉसिबल फार्मर इज फेसिंग कंपेटिटिव मार्केट क्या जी वहां पर लार्ज नंबर ऑफ फार्मर्स तो हैं बट इट माइट भी पॉसिबल इनटिकुलर कैलिटी दे आर गेटिंग देयर इज ओनली वन बायर ऑफ दे फार्मर्स आउटपुट और इट माइट भी पॉसिबल देर आर फ्यू बायर्स अबाउट फार्मर्स आउटपुट क्या अगर मैं हारू मैं बात कर लू अंडर हार्वेस्टिंग सीजन के जी वहां पे लार्ज नंबर ऑफ फार्मर्स आर प्रोड्यूसिंग होमोजेनियस एग्रीकल्चरल आउटपुट लेकिन मार्केट में उस टाइम पे क्या होता है देयर आर फ्यू फ्यू बायर्स अगर मैं लाइव स्टॉक के रेफरेंस में बात करूं हां जी नंबर ऑफ फार्मर्स आर प्रोड्यूसिंग लाइव स्टॉक लेकिन जब आप बायर्स के एंड पे बात करोगे तो क्या होगा देयर आर फ्यू बायर्स इन द मार्केट एंड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ बायर्स इन द मार्केट कैन कैटेगराइज द मार्केट स्ट्रक्चर और हमने उनको कैटेगराइज किया अंडर मोनोपनी ऑलिगोपनी एंड मोनोपोनिस्टिक कम्पिटिशन